जिला बिजनौर के धामपुर निवासी 4 माह पूर्व पल्लव पुत्र अशोक अग्रवाल की गुमशुदगी धामपुर थाने में उसके पिता अशोक ने दर्ज कराई थी। पिता ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने पुत्र के शव की शिनाख्त करते हुए उसका दाह संस्कार भी कर दिया था, लेकिन इस कहानी में उस समय नया मोड़ आ गया जब 18 तारीख में मृतक पल्लव ने अपने पिता अशोक कुमार अग्रवाल से 20 लाख की फिरौती की मांगी। पल्लव के पिता ने धामपुर कोतवाली में फिरौती की पूरी कहानी धामपुर पुलिस को बताई। पुलिस विभाग में फिरौती को लेकर हड़कंप मच गया, जिस पर पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल सर्विस लाइन्स के माध्यम से आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार कर धामपुर थाने ले आई। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अब तक आरोपी पल्लव के पिता अशोक अग्रवाल से 3,50,000 ले चुके हैं, लेकिन इस संबंध में जब आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने पल्लव के पिता अशोक अग्रवाल पर ही सारा आरोप लगा दिया। तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। धामपुर जनपद बिजनौर, डॉक्टर धर्मवीर सिंह, SP बिजनौर, धामपुर बिजनौर से अमीना।